भी बंद हैं, आप भी बंद हैं, बंद रहें और बंद रह के उस तत्व को समझें। आज मैंने इतना बताया, उसको केवल सारी प्रक्रिया, वो योग की प्रक्रिया, वो ध्यान की प्रक्रिया, जो बाहरी अभ्यास है, वो हमारे अंदर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। इस तीसरी आंख की इस गर्मी, ये एनर्जी रास्ता खोल देती है अंदर की आंख की रोशनी को, उस दृष्टि को हम महसूस करने लगते हैं। ये श्वास जो जाती है ना, तो मैंने बताया था ना, ये पॉइंट है, उसको देखना है। हम केवल यहाँ से श्वास को लेके बस गहरी सांस लेने की जो बात करते हैं, तो गहरी सांस नाभि तक लेने की बात करते हैं, कोई नाभि में सांस जाती थोड़ी है। सांस तो यहीं तक जाती है और लंग से वापस आ जाती है। गहरी सांस का मतलब उसका, ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन जाके लंग्स और हृदय का एक पॉइंट है, उस पॉइंट को समझना है। वहाँ पर जाके ये ऑक्सीजन प्राण वायु में तब्दील हो जाती है, उस एनर्जी को जो हमारे हृदय से क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, प्राण शक्ति, ये ऑक्सीजन उस प्राण शक्ति को लेके पूरे शरीर को संचारित करती है, और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाके और लंग्स से वापस आती है। आवागमन का रास्ता है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है शरीर को चलाने के लिए। जैसे हृदय की एक प्रक्रिया है इस खून के इस शरीर में संचार करने की, वो जो पॉइंट है, वो जो तत्व है, वो हमारे मध्य में स्थित है, उस तत्व को जानना है। वहाँ श्वास आके टकरा के वापस जाती है, और जो टकराती है ना, वो प्राण शक्ति को संचित करके पूरे शरीर में प्रवाहित कर देती है। और योगी लोग, साधक लोग उसको जानते हैं। एक बार जिसने टक टक को जान लिया, उसको अनुभूति कर ली, उसको पहचान लिया, फिर तो मार्ग प्रशस्त हो जाता है, अंदर का रास्ता अपने आप मिल जाता है। जैसे वो सुरंग में गए ना, घबराहट हुई, साएं साएं हो रही, भय हो रही है, नाद हो रहा है। हाँ, उसने ये भी बताया, मैंने कहा कैसा शोर था, बोला वैसे ही शोर था जैसे नदी का शोर होता है। बताया उसने, वही शोर था जो घंटे घड़ियाल बज रहे हैं पूरी सुरंग में। ध्वनि तो एक ही है, नाद, ब्रह्मनाद। तो उसको जब एक बार पहुंच जाते हैं, तो मार्ग प्रशस्त हो जाता है अंदर का। फिर अंदर के चरण जो है, फिर आप खुद ही करते रहते हैं। कहते हैं ना, गुरु ज्ञान दे देता है, चलना खुद पड़ता है। ऐसे ही उस पॉइंट तक एक बार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अंदर जाने की बात करते हैं ना, अंदर जाएं, प्रभु जी बैठे सुबह, अपनी गहरी सांस लें। गहरी सांस इसलिए कि जब सांस गहरी लेते हैं और रोकते हैं, तो निकलने में फोर्स आता है, तो हमें पता होता है कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा हमारे, यहाँ से ये आते आते नीचे, जहाँ से पेट शुरू होता है, पेट शुरू होने से पहले एक हड्डी सी दिखाई देती है, हाथ में देखना, ऐसी उसकी आकृति होती है, अंगूठे के इसकी तरह, कभी ऐसे रख के देखना, ये देखिए, ये मैंने ये रखा। इसके नीचे का जो हिस्सा है, वो बिल्कुल उसके बाद पेट है, और वो हड्डी है, वो हड्डी का जो नीचे का हिस्सा है, आप इस पे रखें, इतनी ही आकृति की, इसी आकृति का है, ऐसे आता है ना, ऐसे होता है ना, यहाँ पर उस स्थान के पीछे अनाहत चक्र है, सूक्ष्म है। अंदर जाओगे तो उसको देख भी सकोगे, लेकिन उसके पहले तो अभ्यास करना होगा, पूरा अभ्यास करना होगा। पहला अभ्यास क्या है? गहरी सांसें लेना है। अब गहरी सांस ले रहे हैं, भर रहे हैं ना, तो वो पेट में नहीं जा रही है, फूल रही, वो अलग छोड़ दो, वो यहाँ आके एक प्रेशर से आके लौट रही है। देखो, ध्यान करो, 30 दिन लगे, 60 दिन लगे, 90 दिन लगे, अभ्यास करो गहरी सांस लेके। देखो मैं ले रहा हूँ, अब रोक रहा हूँ, आठ तक गिनती, अब वो क्या होगा, तेजी से निकलेगी, पता चलेगा धीरे धीरे कि कहाँ टक हो रहा है। स्थान तो आप देख ही लिया आपने बाहर से,
रोज़ एक बार सुबह उठते समय ये अंगूठा को, यहाँ को, इसको नीचे वाले हिस्से को, उस हड्डी के नीचे वाले हिस्से पे लगाओ, और पेट अगर बड़ा है तो ऐसे रख लो, धीरे धीरे प्रेशर करो। जैसे ये है ना, ये रख ली, ये ऐसी हड्डी एक बनी हुई है आपके शरीर, इस पर ये नीचे का हिस्सा रख लिया। गहरी सांस लो 11 बार, गहरी सांस ले के बाद इसको प्रेस करो, जितनी देर रोको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर छोड़ दो, हल्का डिटैच मत करो, टच रहने दो, स्किन से स्किन टच होने दो। गहरी सांस लिया, प्रेस किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर लूज छोड़ दिया, सांस बाहर निकल गई। फिर गहरी सांस ली, फिर उसको दबाया, 11 बार करो सुबह, सक्रियता आ जाएगी, वो जो सूक्ष्म है हमें दिख नहीं रहा है, स्पंदन होने लगेगा उसमें। उसके बाद गहरी सांस लेके देखो, अब जगह तो पता चल गई ना, टच करके भी देख लिया ना, इसके अंदर कहीं है वो सूक्ष्म। जा रहा है, भर रहा है, और वहीं से खाली हो रहा है, तो जहां से खाली हो रहा है उस बिंदु को, उस स्थान को देखो। पहले वो स्थान दिखेगा, धीरे धीरे छोटा होगा 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 होगा, उसके बाद उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली, ध्यान तो वहीं पर है ना, अब वो खाली हो रहा है, फिर ली खाली, धीरे 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 उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। एक बार उस बिंदु तक पहुंच गए, फिर बस वो रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। फिर क्रिया योग की चीज़ें बताने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी को अभ्यास का आनंद लोगे, लगेगा अभी तो इसी में आनंद आ रहा है, मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। हृदय यहाँ है, स्पंदन यहाँ है, हृदय के अंदर एक सूक्ष्म तत्व है, वो स्पंदन कर रहा है, उसका द्वार यहाँ पर है। आप वो करते हैं ना, भोंपू लगा होता है ना बस में, दबा देते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप पूरा भर जाता है यहाँ। गया, फिर क्या करेंगे, बाहर श्वास आते ही फिर रोक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब क्या होगा, सांस लेने में फोर्स आ जाएगी, फोर्स आ गई, अब वहां पहुंची, फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान में कुछ नहीं करना है आगे, ये तो मैं आपको अभ्यास बता रहा हूँ, उसको जानने के लिए, ये बनाने के लिए एक डंडा खींचना होता है, फिर ऐसे डंडा खींचना होता है, फिर उसका पेट काटना होता है, क्या बन गया, ए फॉर एप्पल, बाकी चीज़ें हैं। ये स्थान जो हमारे इस तरह का होता है, ये इसको आत्मस्वरूप भी कहते हैं, आत्मा का स्वरूप भी कहते हैं, रे ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इसी तरह की आकृति में होती है जो शरीर से जाती है। सांस लेना गहरी 11 बार सुबह, गहरी सांस, फिर प्रेशर छोड़ देना, फिर लेना, फिर प्रेशर, फिर छोड़ देना, टच छोड़ देना, ऐसे नहीं छोड़ देना, ये टच, प्रेशर, फिर छोड़ देना, फिर प्रेशर, फिर छोड़ देना, फिर प्रेशर, फिर छोड़ देना। अब वहाँ स्पंदन शुरू हो गया, रोज कर रहे हैं ना 11 बार, अब सांस को ले जाके वहीं पर पूरी सांस भर के रोक दे रहे हैं, रोक देंगे ना तो एकदम से निकलेगा ना, गुब्बारे में हवा भर दो, एकदम से निकलता है ना तो पता चल जाता है कहाँ से निकल रहा है। कभी कभी तो ऐसे लोग कर देते हैं तो सीटी की आवाज़ भी आती है, क्योंकि जगह छोटी है, सांस भरी हुई है, एकदम से निकलने की कोशिश करती है। उस बिंदु को पकड़ना है, गहरी सांस लेना है, रोक लेना है कुंभक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर एकदम से क्या हुआ, एकदम से निकलेगी, उसी ध्यान देना है, निकल गई, निकलते फिर रोक लिया। अब जब रोक लेंगे सांस को तो सांस फोर्स से आएगी, जब फोर्स से आएगी तो द्वार क्या है, यहाँ से यहाँ आती है, आज्ञा चक्र के होके फिर अपने अंदर जाती है, तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी दृष्टि है ना, तो जब फोर्स से कोई चीज़ जाती है, ऑक्सीजन, तो उसका यहाँ पे झिल्ली है, बहुत पारदर्शी है, बहुत संवेदनशील है, तो
जब हमने सांस लेके गहरी रोकी और रोक के छोड़ी तो यहाँ प्रेशर महसूस करेंगे उस पॉइंट को, और जब बाहर रोकी और रोकने के बाद फिर क्या होगा, अभी सांस रोको 1 2 3 4 5 6 7 फिर लेंगे तो एकदम तेजी से आएगी। ऐसे करना नहीं है और ऑटोमेटिक आएगी, ऐसे नहीं करना है। देखो मैं सांस ले रहा हूँ, ये जो गहरी सांस ले रहे हैं ना, आवाज नहीं हो रही, ये हमें महसूस होगी यहाँ से नासिका से, और हम इसको दृष्टि भी आंखें बंद भी नहीं कर रहे हैं, खोल भी नहीं रहे हैं, जीभ को तालू से लगाए हुए हैं, मुंह बंद है, आंखें बंद भी नहीं है, पूरी खुली भी नहीं है, यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो फोर्स से जाएगा ना, वो फोर्स यहाँ पे एक बैंड है, और जब बैंड में जाएगा तो महसूस होगा यहाँ से, और वो शक्ति जो प्राण शक्ति जो बाहर आके और रुकेगी जब वापस आएगी तो यहाँ पे टच करेगी ये झिल्ली को, टक 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 करेगी, संवेदनशील वो तीसरी आँख है ना इसका, वहाँ पे भी हलचल होने लगेगी, जो हम कहते हैं ना उस आँख का दरवाज़ा अंदर है, लेकिन लेयर्स चढ़ी हुई है हमारे कर्मों की, प्रारब्ध की। तो पहले गहरी सांस लेना, रोकना और छोड़ते समय महसूस करना कि कहाँ से वो निकल रही है, कहाँ इकट्ठी होके जा रही है, और जब पूरी हो गई बाहर छोड़ना, और 8 बार रुक के जब अंदर जाना तो देखना ये फोर्स यहाँ पे कहाँ टकर रहा है, कहाँ बेंड है, उस बेंड पर ध्यान केंद्रित करना है, केंद्रित करना है, फिर अंदर जा रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की यात्रा है प्रभु जी, इसी में सब कुछ समाहित है, कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा, कोई आपको इतना समय नहीं देगा बार बार ऐसे करवाने के लिए। करो, खुद महसूस करो, बार बार करो, 40 मिनट तक बैठो ऐसे करके, 25 मिनट तक ये प्रक्रिया करो, और 25 मिनट के बाद 15 मिनट अब कुछ मत करो, कुछ करना ही नहीं है, अब छोड़ दो शरीर को, ढीला जैसा छो रहा है हो रहा है, पैर अकड़ गए हैं अकड़ने दो, लंबे जा रहे हैं लंबे जाने दो, लेटने का मन करे लेट जाओ, 15 मिनट तक शव बन जाओ, कुछ नहीं करना, बस अब सांसों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस मन है अंदर, अंदर मन चला गया ना अंदर, अब हम यहाँ चाहे कोई एक चीज़ पकड़ लो, या यहाँ या यहाँ, बस हम देख रहे हैं उसको, आवागमन को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये करो, और करो ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह की जब वो सब होता तब करो, 4 बजे से करो, 4 से 5 तक करो, 4:30 से 5:30 करो, और उसके बाद जब सूर्य सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, अमृत वेला 3:30 से शुरू होती है, 3:30 बजे उठ के करो, 45 मिनट करो, 4:30 तक करो, सो जाओ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि 8 बजे तक सोते रहो, सूर्योदय के साथ उठ जाओ, 3 बजे उठ के करो, 3:30 बजे उठ के करो, चौथा पहर कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, आधा घंटे करो, 40 मिनट करो, 40 मिनट करने के बाद 15 मिनट शव बन जाओ, उस शव बनने में ही सो जाओ। ये जो 15 मिनट का अभ्यास है ना, लेट के करो, कर लिया उठ गए बेड पे जाओ शव बन जाओ, शव होते होते नींद आ जाए सो जाओ, 2 घंटे सो लो, सूर्योदय होता उठो, अब ये 1 घंटे की नींद जो गई है दिन में सो लो, पूरा कर लो, शरीर को तो चाहिए ना उतना नींद, दिन में कर लो। ये पहला अभ्यास, ये पहला सूत्र क्रिया योग का, उस स्वरूप को जानो, उस स्थान को जानो, उस बिंदु को जानो, उसके अंदर उस चक्र को जानो, उसके सूक्ष्म तत्व को जानो, लेकिन पता नहीं है, पता करना है, नीचे क्या होता पता नहीं है ना, लोग डाइव करके जाते हैं, ऑक्सीजन भी ले जाते हैं,
सिलेंडर भी ले जाते हैं सब ले, क्यों पता करना है। तैरने जाते हैं शुरू शुरू में ना, बड़ा सा पाइप उसमें हवा भर के उसे कमर में बांध के जाते हैं शुरू शुरू में। जब तैरना सीख जाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों अभ्यस्त हो गए हैं, अब तो तैरना आ गया है। ऐसे ही ये वार्मअप प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया है। जब जान लोगे फिर कुछ नहीं करना है, फिर ध्यान करना है। ये ध्यान की पूर्व की प्रारंभिक अवस्था है। सांस लो पहले 11 बार, स्किन से स्किन टच, गहरी सांस, प्रेशर कुंभक जब तक कुंभक है, फिर रिलीज, फिर गहरी सांस, फिर रिलीज, रिलीज होके नाक के बाद फिर रोकना, फिर लाना 11 बार। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदाज से, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो कटोरी लगा के बैठे हो ना, कुर्सी पर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, कुंभक, फिर कुंभक। अब ये जो आ रही प्रेशर से यहां महसूस करो, कुंभक। अब जो जा रहा है यहां महसूस करो, यहां से यहां तक की यात्रा है पूरी, अनाहत से आज्ञा तक। विकिरण होने लगेगा, आउटर लेयर में प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी, सक्रिय हो जाएगी दृष्टि आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं। जो कहोगे संकल्प शक्ति आ जाएगी, आत्मबल प्रशस्त हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे पोरों से पोर मिला के करो तेजी से, दर्द होगा इन एक पोरों में, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है, सक्रियता आ जाती है, पूरे जीवन के लिए एनर्जी मिल जाती है। ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ रगड़ते हैं ना खूब, ऐसे ऐसे रगड़ो हाथों को। मैं जब सिटिंग करता हूँ, बैठाता हूँ, कुछ करता हूँ, ऐसे ऐसे हाथ रगड़ को शरीर से लगाओ, मैग्नेटिक क्रिएट हो जाती है पावर, वो हमारे पूरे शरीर की सक्रिया कर देती है। कहा है ना सुबह सुबह कि सुबह उठ के हाथों को ऐसे अच्छी तरह से रगड़ के दर्शन करो, भगवान है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर भूले, क्या मुझे ठीक से याद नहीं है। ये कहते हैं ना तीन भागों में हमारे लक्ष्मी सरस्वती और ये सब विराजमान है भगवान, इनके दर्शन करो भगवान। अब आजकल भगवान के नाम पे कहेंगे तो फिर वही नए बच्चों का तो आ जाएगा ना तर्क, भगवान का है यहाँ भी कोई भगवान है क्या। तो इनको समझाते हैं ऐसे ऐसे करने से, ऐसे 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 करने से शरीर की पूरी नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इन सारी शक्ति नाड़ियाँ यहीं आके तो वापस हुई हैं, यहीं तो उनका अंतिम है। जो नसें जो सब आ रही खून यहीं तक आके तो वापस जाता है। धमनियाँ शिराएँ नसें ये है ना, ये जब आपस में जुड़ती हैं तो ये वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेशन से पूरा सर्किल बन जाता है, गति आ जाती है। तो उनसे ये नहीं कहते हैं कि भगवान के दर्शन करो, उनको तो ये कहते हैं कि सक्रियता आ जाती है। और ऐसे ऐसे करने से एक मैग्नेटिक फोर्स होती है, उसको ऐसे आँखों में लगाओ, हा 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 आनंद आता है। लोग करते हैं, नए बच्चे करते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि उनको उन्हीं की भाषा में समझाते हैं ऐसे ऐसे करो, मैंने देखा है। 15-20-25 साल के लोग मेरे संपर्क में आते हैं, कहते ऐसे ऐसे करो सुबह 1 मिनट तक, ऐसे 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 करो खूब जोर जोर से पोर मिले, नाखून काट लेना जिससे लगे ना, दर्द होने लगता है होने दो, हो झंझनाहट आ जाती आने दो, एनर्जी क्रिएट कर देगी, आलस्य दूर हो जाएगा। सुबह उठते ही बेड से पूरे पूरे ऐसे करके तीन बार, फिर देखो देखने से क्या है, एनर्जी आएगी शुरू आएगी। करते हैं लोग, पुराने लोग भगवान के दर्शन करो, पहले आगे का भाग देखो, मध्य भाग देखो, फिर यहाँ का देखो, कर मूले कर मध्य कर आग्रे लक्ष्मी के दर्शन करो, सरस्वती के दर्शन करो, ईश्वर के दर्शन करो, करो छोटी छोटी सी चीज़ें, अभी समय मिला है करो। क्या जाता है 1 मिनट करने में सुबह उठ के, पहले सुबह उठ के सबसे पहले ऐसे खूब किया, ऐसे दर्शन किया, आरतम बना,
तीनों उंगलियों को आंखों पे, इस मुद्रा में तीनों उंगलियां आंखों में, ये नासिका पर आ गया चक्र का ये हिस्सा, साइड से उसको मिलती है। तीन बार ऐसे खूब रगड़ा, फिर एक्सरसाइज करना, ऐसे ऐसे करना। अब कोई ईश्वर की बात मत करो, भगवान की बात करो, बच्चों से कहो करो, करके अनुभव करो, देखो ना ऐसे करो, ये वाली प्रक्रिया करो, गहरी सांस लेके प्रेशर, फिर लूज, फिर प्रेशर, करके देखो, अनुभव तो करो। कोई धर्म नहीं है इसमें, कोई जाति के लोगों के धर्म के लोगों के लिए ईश्वर वाली कोई बात ही नहीं है। हमें अपने को जानना है, अपने शरीर को जानना है, यही तो कहते हैं। और पूरी दुनिया के लिए सत्य तो एक है, सत्य पूरी पृथ्वी के लिए, लेकिन वही है कि राम तो राम ही, कृष्ण वहीं पर, लोग तर्क वितर्क संशय पैदा हो जाते हैं, ही लगा देते हैं, ही मत लगाए, आनंद लें। आज ये सूत्र है, इस पहले सूत्र को अपना लो, हो सकता है आपको दूसरे सूत्र की जरूरत ही ना पड़े, रस आने लगे, 40 मिनट वो आनंद में आने लगे, और जब शव हो जाओगे तो जब सुबह उठोगे सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के समय शरीर एनर्जेटिक होगा। आते ही फिर आपको ये करना है, आते ही फिर आपको ये करना है, बेड छोड़ने से पहले